गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस के लिए मैंने बोला था कि निफ्टी कंटिन्यूअसली गिर रहा है किस एक अच्छे लेवल पे, कि अभी यहाँ से कंटिन्यू होगा या पुल बैक आएगा। ये कल मैंने जो बात बताई थी आपको वो वैसे ही हुआ, उसी लेवल पे मार्केट आकर के गिरा। एक बार इसका अच्छे से डीप एनालिसिस करते हैं, बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। एंड जो स्टॉक मैंने बताया था कि कल के लिए नेगेटिव स्टॉक है, जो कि सेल ऑन राइज बनेंगे या फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाएंगे, वो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रेंड तो अभी नेगेटिव होगा क्योंकि 17,000 के नीचे क्लोजिंग भी आ गया और कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड है। अभी तो सेल ऑन राइज ही है निफ्टी, और सेल ऑन राइज में जितना पैसा बनेगा अभी भाई तो भूल जाओ जब तक प्राइस एक्शन ना होता है। निफ्टी को मंथली के अंदर देखिए, मंथली के अंदर निफ्टी का ट्रेंड क्या है, क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए मंथली वीकली सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मंथली में लग रहा है कि निफ्टी एक 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 किसमें आ गया, एक मंथली के डिमांड जोन में ही आ गया ऐसा लग रहा है, लेकिन वो जोन बहुत बड़ा है, वो जोन छोटा नहीं है। वो ट्रेप लेवल तक का लेवल अगर आ गया तो और नीचे का जोन है। कहने का मतलब अभी भी निफ्टी जो जोन के अंदर 200-300 पॉइंट कम से कम और गिर सकता है, ट्रेप लेवल को मान ले तो 400 पॉइंट तक आराम से गिर सकता है मंथली के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज हम वीकली के अंदर देखें तो वीकली के अंदर प्राइस क्या है, डिमांड जोन में है ना। वीकली के अंदर प्राइस एक डिमांड जोन में। अगर वीक टू वीक देखेंगे तो ये डिमांड जोन एक बार टेस्ट हो चुका, बट जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर दिखता है तो निफ्टी के दो ही जोन जो रिस्पेक्ट करने के लिए बच सकते हैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में। नंबर वन लेवल क्या है, ये 16,666 वाला, एंड दूसरा लेवल क्या है, ये वाला वीकली का। बट डे ट्रेडिंग के अंदर हमें तो प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम में देखना है, बट ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कहने का मतलब निफ्टी यहां तक भी अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बट प्राइस हमेशा चलता है रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक एंड रन। ठीक है, अब ये वाली वेव जो कल मैंने डिस्कस किया था, ये वेव मैं लंबी एक्सपेक्ट कर रहा हूं गिरने की। क्यों, आप देखो आपका प्राइस का जब आप एज ए ट्रेंड लाइन जब प्राइस को मार्क करोगे तो नॉर्मल थर्ड या फोर्थ स्विंग में प्राइस 90 डिग्री से फॉल आता है या फिर इंक्रीज होता है। ये देखिए, ये आपका एक फर्स्ट स्विंग था, यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका एक सेकंड पॉइंट था जिसे एक लो बनाया नया, एक ये थर्ड पॉइंट था, तो प्राइस थर्ड पॉइंट से भी एक लो बनाया के इवन ये एक फोर्थ पॉइंट है ना। ये फोर्थ पॉइंट से प्राइस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट से प्राइस कंटिन्यू हो रहा है, तो प्राइस जिस तरीके से फोर्थ पॉइंट से कंटिन्यू हो रहा है, जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस नेचर प्राइस बिहेवियर, बाकी सारे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट प्रोफाइल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कॉन्सेप्ट है, बट मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली फॉलो अप सेलिंग आ रही है, उस सेलिंग के अकॉर्डिंग मार्केट को इसका लो तोड़ना चाहिए। अब समझ में आया, कहने का मतलब ये जो डिमांड जोन है इस डिमांड जोन को एज ए ट्रेप लेवल मान करके प्राइस को तोड़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ प्राइस ने बिल्डअप किया है फोर्थ टाइम गिरने के लिए। कहने का मतलब प्राइस का आप यहां से देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में 28 नवंबर 2022 से लेकर के आप देखिए 5 महीने हो गए, 5 महीने से निफ्टी का बिल्डअप चल रहा था इस 90 डिग्री के मूव के लिए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस वीक की ये कैंडल यही क्लोज हो जाए, एंड अगले वीक अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है तो अगले वीक की कैंडल भी ऐसी रेड बने, तो प्राइस पे यहाँ पे नजर रखना। दो चीजें यहाँ पे, अगर इसका लो टूट जाता है वीकली कैंडल का दिन सस्टेन होता तो प्राइस और ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। दूसरी चीज, प्राइस ओवर स्ट्रेच है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है या होता है डेली टाइम फ्रेम में या फिर 2 आवर्स में, ठीक है, तो प्राइस एक पुल बैक भी एक्सपेक्टेड है। बट फोर्थ अटेम्प्ट पे नॉर्मली प्राइस जब ओवर स्ट्रेच होता था और ज्यादा ओवर स्ट्रेच होता है पुल बैक नहीं आता है, आज तक के जितने भी मैक्सिमम सिनेरियो में देखा गया है तो ऐसा ही देखेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, सारे डिमांड एंड सप्लाई सब फेल हो जाते हैं। क्लियर है, मार्केट नेचर एंड प्राइस बिहेवियर मेन है, बाकी सब कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है? यस सर। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, यही चीज जो प्राइस गिर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इससे प्राइस और ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाए, अगले वीक की एक कैंडल सेम और अगर ऐसी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज जो सेलिंग आई है वो प्राइस के अंदर स्मार्ट सेलिंग आई है डेली टाइम फ्रेम में देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस को मार्क कर देते हैं। ये रनिंग कैंडल है, जो करंट प्राइस चल रहा है वो तो रनिंग कैंडल है, तो प्रीवियस वीक की लोएस्ट क्लोजिंग थी, और ये आपकी क्या थी, ये आपकी प्रीवियस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी।
ठीक ना, ऊपर वाले एरिया से सेलिंग एंड नीचे वाले एरिया से बाइंग आनी चाहिए थी, ठीक है, बट प्राइस कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो ये कैंडल तो फ्री फॉल है, अभी तो रनिंग कैंडल, इस कैंडल के लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम डेली के अंदर देखेंगे। डेली में आज देखोगे आप, ठीक है, डेली में जब हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, कल मैंने आपको एक जोन बताया था, ठीक है, आज ये कैंडल बनने से पहले ये वाला, इस कैंडल की वीक, ठीक है, इस कैंडल की वीक एंड इस कैंडल की हाईएस्ट वीक, इसके अंदर कुछ हुआ है तो कल मैंने आपको ये बोला था, इसके अंदर अगर प्राइस के अंदर फॉलो अप सेलिंग आती है तो प्राइस कंटिन्यू नीचे की साइड होगा, एंड इसके ऊपर क्लोजिंग करके अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो प्राइस यहां तक के टारगेट के लिए 400 तक का टारगेट आएगा, ठीक है। तो लेकिन प्राइस में हुआ क्या आज, ये देखिए 15 मिनट में हुआ क्या मार्केट के अंदर, यही देखते हैं। शुरुआती 15 मिनट, शुरुआती 15 मिनट में क्या हुआ, प्राइस ने एक इनडिसीजन बनाया और वहीं से प्राइस कंटिन्यू होने लग गया नीचे की साइड, ठीक है। देन कंटिन्यूअसली वही पूरे दिन पर एक बार भी प्राइस ने ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिया कि ऊपर जाएगा। आपको मैंने लाइव मार्केट में जब आपकी क्लासेस चल रही थी, मैं आपको ये बोला था कि निफ्टी में कंटिन्यूअसली फॉलो अप सेलिंग है, जब भी ऊपर जाए इसको बेच दो, मतलब पुट बाय कर लो, कंटिन्यूअस सेलिंग है। तो निफ्टी के अंदर वही सेलिंग चल रही थी, सबको समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है साहब? जी सर, जो जो डेली कैंडल के अंदर देखोगे, डेली कैंडल के अंदर तो आज मार्केट जो ओपन जहां से हुआ, ठीक, ओपन होकर जहां से मार्केट गिरा है, ठीक है, ये जो सेलिंग है ये स्मार्ट सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर ट्रेप होते हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको पता है कि मतलब हर कहीं से तो आधा अधूरा नॉलेज है, पूरी बात तो कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग आई है, ठीक है, ये स्मार्ट सेलिंग है ना, देखो गिरने को तो मार्केट बहुत गिरा है, ठीक है, बट नंबर्स में एंड में क्लोजिंग उतनी बड़ी नेगेटिव नहीं है, उतनी बड़ी नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैंडल के टॉप से गिर के फिर लो तोड़ा उसने, कहने का मतलब इनसाइड कैंडल का एक तरीके से मार्केट इनसाइड था, कैंडल का इनसाइड था, उसके बाद मार्केट ने लो तोड़ा। तो स्क्रीन पे जो जीरो से यहां से मान लीजिए मार्केट यहां से लेकर के अगर यहां से इतना गिरता तो स्क्रीन पे वो नंबर ज्यादा दिखता ना, कि आपका इतना परसेंट मार्केट गिर गया, इतने पॉइंट गिर गया, दिखता ना। लेकिन प्राइस तो पर आज तो मॉर्निंग में गैप अप था, मॉर्निंग में गैप अप था ना, प्राइस ऊपर था, ठीक है। गैप अप होने के बाद गैप अप वाले पॉइंट माइनस हुए, प्लस वो आपके मार्केट वो गिरा वो अलग। तो आज जो सेलिंग हुई वो कंप्लीटली स्मार्ट सेलिंग थी, क्या थी, और ये पूरी कैंडल पिछले वाले कैंडल को खा गई, ठीक है। अब क्या, अब कल क्या हो, कल देखते हैं क्या होता है, तो उसका कल का ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब प्राइस में ये आपका क्या है, ये आपकी है एक क्लोज क्लोजिंग, ठीक है, इसके नीचे खुला नीला आसमान है, क्लियर है, सेलिंग के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्राइस खुलना तो चाहिए गैप नेगेटिव ही, मतलब गैप डाउन ही खुलना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस ज्यादा बड़े गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए 100-150 पॉइंट खुल गया एक्सपायरी वैसे ही, तो एक बार के लिए मान लीजिए आपका प्राइस खुला ही यहाँ पे 850 या फिर 816-800 के आसपास खुला, 16900 खुला, ठीक है। अगर थोड़ा कम गैप से खुला तो इमीडिएटली पहले 3 या 5 मिनट के अंदर ही मैं बता दूंगा, मैं मॉर्निंग में बता दूंगा कि 3 या 5 मिनट के अंदर कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, किस साइड जाना चाहता है। तो अगर पहले 3-5 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन हो गया, कुछ दिख गया, तो अगर गैप अप थोड़ा कम गैप अप हुआ, सॉरी गैप डाउन हुआ, तो मार्केट अच्छी खासी डाउन साइड मिलेगी। एंड अगर ज्यादा बड़े गैप से हो गया तो एक बार के लिए सेलिंग क्या करिए, अवॉइड करिए, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे 15 मिनट की कैंडल का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, 1 आवर, हम वेट करेंगे जब तक हमें करेक्ट प्राइस एक्शन ना दिख जाए, कि प्राइस खुद ना बता दे कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अच्छा प्राइस एक्शन। एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी, प्रेडिक्शन जबरदस्ती का नहीं करना, भगवान थोड़ी हम तो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को जो फॉलो करते हैं तो प्राइस में सब कुछ दिखता है, तो उसके बेसिस पे जिस साइड पे कहने का मतलब, ज्यादा बड़े गैप डाउन ओपनिंग पे हम सेल नहीं करेंगे, प्राइस अगर कम गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम बिल्कुल सेल करेंगे, एंड अगर बीच में कहीं होता है तो थोड़ा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, जिधर भी होगा मैं बता दूंगा, आप खुद ही पता लगा लोगे, यार मैं नहीं बताऊंगा तो भी, इतना तो सीख ही गए आप, इतनी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फॉलो बाइंग देख ले, फॉलो सेलिंग देख ले, जो आपको एंट्री सिखाई उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा। क्लियर है ना निफ्टी? ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये वाला मैं कल जिसने भी मेरी बात ध्यान से सुनी, मैंने बोला ये कैंडल और ये कैंडल, मैंने बोला मार्केट जो है 17 ये वाला लेवल दिया था,
17125 से लेकर के मैंने ये वाला लेवल दिया था 17225 तक का, ठीक है, 100 पॉइंट का इस रेंज से मार्केट गिरना चाहिए, वही हुआ सेम पोजीशन डॉट टू डॉट, बहुत स्मार्ट सेलिंग है। कहने का मतलब ये यही आपका स्किल टेस्टिंग होती है, ये आपकी स्किल टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको वो स्टॉक बताता हूँ जो अगर निफ्टी कम गैप अप या कम गैप डाउन ओपन होकर के या फिर प्राइस में पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद गिरना स्टार्ट करें तो जो निफ्टी को जो लीड करेंगे वो ये वाले स्टॉक लीड करेंगे। कौन से दिख रहा सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टीसीएस, एसआरएफ, कैनफिनोम, एक्सिस बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल। इनमें अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट में अच्छा प्राइस एक्शन दिखे सेलिंग के लिए, बाय के लिए तो सोचना नहीं है, पुल बैक आ जाए वो ठीक है आप फंस जाओगे उसके अंदर, लेकिन अगर प्राइस कहीं ये इंक्रीज हो जाए आपको अच्छा चांस मिल जाए। कहने का मतलब नेगेटिव मार्केट के अंदर प्राइस अगर ऊपर जाए देन प्राइस एक्शन हो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव मार्केट के अंदर प्राइस नीचे जाए गलती से गैप डाउन खुल गया देन वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ये अपॉर्चुनिटी का ही गेम है सारा। तो इनमें से कोई भी स्क्रिप्ट एक पीडीएल के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन हो जाए तो आपको अच्छे सेल करिए, ज्यादा बड़े गैप डाउन से मत करिए, एंड प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, प्राइस एक्शन दिख जाए 15 मिनट में कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख जाए तो ये स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट देंगे। इवन अच्छा खासा आपको प्राइस एक्शन दिख जाए तो आप इनमें से किसी एक, किसी की भी जो सबसे अच्छा दिखे उसकी पुट ले सकते हैं। तो ये मेरे को ठीक लगे कि अगर गिरेंगे तो ये लीड करेंगे मार्केट को, अगर मार्केट गिरेगा, अगर कल मार्केट अच्छा गिरना है तो ये बहुत ही अच्छे शार्प चलिंग आएगी इनके अंदर।